आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आरएस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अध्याय चार। अध्याय चार का नाम है सीमा और सीमा चिन्ह। अध्याय चार को धारा 20 से 28 तक में कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम धारा 26 के संबंध में चर्चा करेंगे। धारा 26 है अवरोध का हटाया जाना, और साथियों ये भी हम समझेंगे कि धारा 25 और धारा 26 में क्या अंतर है, और समझेंगे कि तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध निगरानी, शस्ति और जुर्माना के संबंध में चर्चा करेंगे, और संगत नियम को भी हम समझेंगे। तो साथियों इससे पहले, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा, हमने व्हाइट बोर्ड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता, इंग्लिश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू को 2006 कहते हैं। यह साथियों भूमि विधि है, लैंड लॉ है, जो वीडियो है भूमि विधि से संबंधित है, यानी लैंड लॉ से संबंधित है। अब साथियों देखते हैं अध्याय चार सीमा और सीमा चिन्ह, जो अध्याय चार है उसका नाम है सीमा और सीमा चिन्ह, यानी चैप्टर 4 बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स। अध्याय चार के अंतर्गत धारा 26 है अवरोध का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल। इसमें यह प्रावधान है, जो धारा 26 है अवरोध का हटाया जाना, उसमें प्रावधान है कि यदि तहसीलदार को यह पता चले कि किसी अवरोध से गांव की किसी सार्वजनिक सड़क पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में रुकावट पड़ती है, तो ऐसी सड़क या जलमार्ग के अवरोध को हटाने का निर्देश दे सकता है, और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो, और संबद्ध व्यक्ति से उक्त अवरोध को हटाने का खर्च विहित रीति से वसूल सकता है। धारा 26 है जो अवरोध का हटाया जाना, यह तहसीलदार को किसी भी प्रकार से पता चले कि अवरोध से किसी रोक से गांव की किसी सार्वजनिक सड़क पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग, यानी बिना बाधा के उपयोग में रुकावट पड़ती है, तो ऐसी सड़क या जलमार्ग या जल के रोध यानी जल के रुकाव को हटाने का निर्देश यानी आदेश दे सकता है, और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, यानी उसको हटवाने के लिए ऐसा बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है जो आवश्यक हो, और संबद्ध व्यक्ति से उक्त अवरोध हटाने का खर्च विहित रीति से वसूल कर सकता है, यानी जो अवरोध को हटाने में जो खर्चा आएगा संबद्ध व्यक्ति से, उसका खर्चा वसूला जा सकता है। अब साथियों देखते हैं धारा 25 और धारा 26 में अंतर। जो धारा 25 और धारा 26 है उसमें क्या अंतर है यह बताया गया है। तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 25 व 26 के तुलनात्मक अध्ययन से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली यह कि धारा 26 सार्वजनिक सड़क पथ या सार्वजनिक भूमि पर लागू होती है, किंतु धारा 25 उन पर लागू नहीं होती है। दूसरा अंतर यह है कि धारा 25 के अंतर्गत तहसीलदार को स्थलीय जांच करना आवश्यक है, परंतु धारा 26 के अधीन किसी जांच की अनिवार्यता नहीं समझी गई है। धारा 25 और धारा 26 में जो अंतर है उसमें है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 25 तथा 26 का तुलनात्मक अध्ययन से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह है कि धारा 26 सार्वजनिक सड़क पथ या सार्वजनिक भूमि पर लागू होती है, किंतु धारा 25 जो है वो सार्वजनिक सड़क पथ या सार्वजनिक भूमि पर लागू नहीं होती है। दूसरा अंतर यह है कि धारा 25 के अंतर्गत तहसीलदार को स्थानीय स्तर पर जांच करना आवश्यक है, यानी जो दूसरा अंतर है उसमें बताया गया है कि धारा 25 के अंतर्गत जो तहसीलदार है उसको मौके की जांच करना आवश्यक है, किंतु धारा 26 के अधीन किसी जांच की अनिवार्यता नहीं समझी गई है। जो धारा 26 है उसमें तहसीलदार द्वारा किसी जांच की अनिवार्यता नहीं समझी गई है। तो उसके बाद साथियों देखते हैं
अगला पॉइंट है तहसीलदार के आदेश के खिलाफ या उसके विरुद्ध निगरानी, यानी कि जो तहसीलदार का आदेश है उसके विरुद्ध अर्थात उसके खिलाफ निगरानी के संबंध में है, तो इसमें प्रावधान है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 26 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 27 के अनुसार उप जिला अधिकारी के समक्ष निगरानी दाखिल की जा सकती है। ऐसी निगरानी दाखिल करने हेतु 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित है। उप जिला अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति धारा 210 के अंतर्गत अग्रतर यानी आगे निगरानी दाखिल कर सकता है। जो अगला पॉइंट है वो है तहसीलदार के आदेश के खिलाफ या उसके विरुद्ध निगरानी। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 26 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 27 के अनुसार उप जिला अधिकारी के समक्ष निगरानी दाखिल की जा सकती है। ऐसी निगरानी दाखिल करने हेतु 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित है। उप जिला अधिकारी आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति धारा 210 के अंतर्गत अग्रतर यानी आगे निगरानी दाखिल कर सकता है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 28 के अनुसार इस धारा में अध्याय के अंतर्गत पारित आदेश किसी भी व्यक्ति को सिविल न्यायालय में वाद योजित दायर दाखिल करने से रोकती अर्थात विवर्जित नहीं करती है। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 28 के अनुसार इस अध्याय के अंतर्गत पारित आदेश किसी भी व्यक्ति को सिविल न्यायालय में वाद योजित दायर करने या दाखिल करने से रोकती नहीं है, यानी कि विवर्जित नहीं करती है। अब साथियों देखते हैं सस्ती और जुर्माना। सस्ती और जुर्माना इसमें प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 126 की उपधारा एक खंड का अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गांव की किसी सार्वजनिक सड़क चकमार्ग सहित पथ या सामान्य भूमि पर अतिक्रमण करता है या उसके उपयोग में बाधा डालता है तो उसे न्यूनतम 1,000 रुपये अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। सस्ती और जुर्माना के संबंध में है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126 की उपधारा 1 के खंड का अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी सार्वजनिक सड़क जिसमें चकमार्ग भी शामिल है पथ या सामान्य भूमि पर अतिक्रमण करता है या उसके उपयोग में बाधा डालता है रुकावट डालता है तो उसे न्यूनतम 1,000 अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। अब साथियों देखते हैं इसके संगत नियम को समझते हैं। संगत नियम है कि नियम 23 अवरोध हटाने के लिए खर्चे की वसूली धारा 25 व 26 संहिता की धारा 25 अथवा 26 के अंतर्गत अवरोध को हटाने के खर्च की वसूली भू राजस्व के बकाए की भांति की जा सकती है। जो संगत नियम इसका है वो है नियम 23 अवरोध को हटाने की खर्च की वसूली, ये नियम 23 धारा 25 व धारा 26 के संबंध में है। तो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 25 अथवा 26 के अंतर्गत अवरोध को हटाने की खर्च की वसूली राजस्व के बकाए की भांति की जा सकती है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अध्याय 4 सीमा और सीमा चिन्ह के संबंध में, जिसमें धारा 26 के संबंध में चर्चा किया। धारा 26 है अवरोध का हटाया जाना और उसमें हमने धारा 25 और 26 के अंतर को समझा। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध निगरानी के संबंध में चर्चा किया। सस्ती और जुर्माना के संबंध में चर्चा किया। संगत नियम के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।